कोको बेनिटेज जिस स्कूल में पढ़ाती हैं, वो वाशिंगटन डीसी के सबसे गरीब और जुर्म से भरे इलाकों में से एक है। आलम यह है कि स्कूल के बाहर हमेशा पुलिस का पहरा रहता है और स्कूल के दरवाजे पर मेटल डिटेक्टर्स। लेकिन कोको इस हालात को अपने छात्रों के जरिए बदलना चाहती हैं और इसमें उनका साथ दे रहे हैं गांधी जी। I think taking what Gandhi practiced, talking things through, coming to consensus in a non-violent strategy, I think that those are steps that we can take. बच्चों को गांधीवादी बनाने के लिए अलग अलग तरीके अपनाए गए हैं। छात्रों को गांधी जी के विचार पढ़ाने के साथ साथ उन्हें गांधी फिल्म भी दिखाई जाती है या फिर नाटक के जरिए गांधी जी के विचारों को दोहराया जाता है, जैसे गांधी बना ये छात्र अंग्रेज वकील से बहस कर रहा है, या फिर शराज का ये खेल जिसमें गांधी जी के जीवन से जुड़ी किसी घटना की एक्टिंग की जाती है और बच्चों को उसे पहचानना है, यानी सीख सत्य अहिंसा की और जरिया एक्टिंग। गांधी जी के अहिंसा के संदेश को किताबों में पढ़ना तो एक आम बात है, लेकिन यहाँ वॉशिंगटन डीसी के स्कूल के ये बच्चे एक अनोखे तरीके से गांधी जी को समझ रहे हैं। He put up a fight, but not a violent fight. He stood for what he believed. If we were like Gandhi, it'd be a more peaceful world. India's independence. You did it in a non-violent way. कोको की ये कोशिश जरूर रंग लाएगी। आखिर गांधी जी ने ही तो कहा था कि इंसान को तो बस लक्ष्य तय करना चाहिए, रास्ते अपने आप निकल आते हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका का मैं अंशुमान आपटे, आज तक के लिए।